मालका जो मैं सवाल किया मैं तेरे को माफी का सवाल करना वाना अव्वल अल्लाह नु दुनिया अंदर कैसे आखने सुनया जे ना मसला मौलवी बयान करदा लोगों के अकीदे तबाह करदा फासले खत्म हो गए पर्दे हट गए यार पूछना मां आयशा सदीका बयान कर रही है ते सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला नो सवाल करदे ने खुद अल्लाह दे नबी दे कोल अल्लाह दे नबी क्या तुसी मेराज वाली रात रब नो वेख्या ते मेरे महबूब फरमा रहे हैं अल्लाह नूर रब वेख्या महबूब ने मेराज वाली रात बंदा ते जिस बंदे का अकीदा होए के अल्लाह दे नबी ने किसे बात नूं छुपाया यानी पूरा दीन बयान नहीं फरमाया ओ बंदा उच्ची बोलो ओ बंदा ते बित्ती दा कीदा जिहड़ा दीन अंदर नवीं नवीं रस्मां बना दा ना इंज वी कर लो ते इंज वी कर लो मर्जी दियां नमाज़ां ते मर्जी दे रोज़े मर्जी दे सदका खैरात वो बंदा इस समझदा कि नबी ने ते दस्या नहीं ते शायद दीन अंदर काम रह गया आज मैं पूरा करना महबूब ने किसे बात नो छुपाया और उठाओ हज्जतुल विदा मैदान अरफात मेरे महबूब सवाल पा रहे ने अपने सहाबा दे कोलो मेरे सहाबा पुछो क्या मैं पूरा दीन पहुंचा चुका कि नहीं क्या मैं पूरा हक तुसा अवाम तक पहुंचा चुका कि नहीं सहाबा अर्ज करदे ने जी अल्लाह दे नबी दीन और शरीयत दी एक एक बात पहुंच गई पहुंचा चुके हो मेरे महबूब ने उंगली उठा के आसमान वाल कर रहे अल्लाहुम्म अशहद अल्लाह को गवाह हो जा मैं तेरे दीन का एक एक हिस्सा बयान कर दिया अल्लाह मैं तेरे दीन का एक एक मसला और अल्लाह एक एक जुमला बयान करके जा रहा मेरे महबूब ने तीन मरतबा उंगली उठा के फरमाया अल्लाह को गवाह आज जो मौलवी आज जो इमाम जो खतीब जो पीर कहे कि फरा काम कर लो शबरात आ रही है तो फरा काम कर लो शबे मेराज आई तो फला नमाजा पढ़ लो सलातुर रवाय फला दिन पढ़ लो क्या मेरे महबूब ने दीन को छुपाया मां आयशा फरमा रही है कि जिस बंदे का ये अकीदा सोच होए कि नबी ने कैसे बात को छुपाया वो झूठ बोलता है वो बंदा सच्चा यारो नबी ने उस बात को भी नहीं छुपाया मेरे महबूब ना सब तो बात मामूल सी अज़वाजे मुतहरात के घर तशरीफ ले जाया करते सन हर रोज असर तो बाद एक दिन अम्मा जी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हें शहद पानी मिक्स करके शरबत बनाया अल्लाह दे पाक पैगंबर नु पेश कीता अल्लाह दे नबी ने नोश फरमा लिया महबूब जी ने पी लिया थोड़ा जिहा वक्त ज्यादा लग गया दूसरा दिन तीसरा दिन महबूब ना थोड़ा जिहा वक्त ज्यादा दे रहा है अम्मा जी ज़ैनब नु रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला मां हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला ए वेख रही है के नबी जनाबे
भगवान पता करो क्यों ज्यादा वक्त लगता है नबी नबी दी मोहब्बत अंदर सी मां आयशा माफ ज्यादा भी दिल से कि नबी साडे को ज्यादा वक्त गुजारन पता कीता पता लगया अल्लाह दे नबी नु ना शहद वाला पानी पेश कीता जांदा है महबूब बैठदे ने मां जी तैयार करदियां ने फिर महबूब जी तनावा है नोश फरमांदे ने फिर महबूब जी उठदे ने ते मां आयशा ते मां हफ्सा दोनों ने मशवरा कर लिया के महबूब जी जदों साडे कोल आणगे असीं आखांगे महबूब जी तुहाडे मुंह चों ना बूझ आ रही है कोई स्मेल महसूस होंगी है महबूब जी आए मां आयशा अर्ज कर दिया ने मां हफ्सा अर्ज कर दिया ने नबी दी मोहब्बत ते नबी दे प्यार अंदर अल्लाह दे नबी मुंह मुबारक तो ना बूझ महसूस हो रही है मेरे महबूब ने फरमाया मैं ते शहद पी के आया अगर शहद पीन की वजह तो मुंह चो कूं आ रही है आज तो बाद मोहम्मद शहद नहीं पिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब ने इतनी बात फरमाई ते आसमान तो अल्लाह पाक दा कलाम आया फरमाया अय्युह नबी लिमा तो हर लिमा हल अल्लाह लका तब तरी मरजाता अजवाजी का वल्लाह गफूर रही माया जिब्राइल जाओ ना मेरे महबूब को मेरा महबूब कह रहे ने आज तो बाद शहद या अय्युह नबी ऐ मेरे महबूब नबी लिमा तुहर्रिमो क्यों हराम फरमा लिया तुसी अहल्लल्लाहु लका ओ जी जिस शहद नु मैं हलाल कीता तुसी अपने ऊपर हराम क्यों कीता लिमा क्यों हराम फरमाया जे और मेरे अल्लाह पाक ने अगली बात भी फरमाई तब तवी मरवाता अजवाज का महबूब जी अपनी बीवियां दी वजह तो अपनिया बीवियां इतना कुरान आया ते मेरे महबूब ने पढ़ के सुना दिता पाया नहीं नबी ने छुपाया नहीं ਇੰਜ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹ ਨਬੀ ਲਿਮਾ ਤੁਹਰਿਮ ਮਾ ਅਹਲਲਲਾਹੁ ਲਕਾ ਤਬ ਤਗੀ ਮਰਜ਼ਾਤਾ ਜ਼ਵਾਜਿਕਾ ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ महबूब ने कुछ छुपाया और मेरे नबी ने तो उस बात को भी नहीं छुपाया ऐसा ना बड़े चौधरी मुशरकी ने मक्का सरदार पैसे वाले मालदार ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार तेरी बात सुनने वास्ते नहीं ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤ सानू बात सुनाना चाहते हो ना फिर कोई अलहदा बैठा गया जिथे साडे सारे चौधरी वडेरे और गरीब कोई ना होए ते मेरे महबूब ने मन लिया
वजह से मुसलमान हो जाना ये बात भी मुहम्मद ने कबूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब चले गया चौधरियां वडेरियां सरदारां दे कोल, अल्लाह करे किसी नूं चौधराहट दा भी घमंड ना होए, अल्लाह करे किसी नूं दौलत दा भी घमंड और इक्तदार दा भी घमंड ना होए, सारा ही मट्टी दा माल जे। महबूब चले गए ते एक नापीना साहबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनाल लोड पै गई महबूब नाल मुलाकात दी, को मसले दी, किसे सवाल दी, ते नबी नो तलाश कर रहे अखा तो नबीना ने नजर कुछ नहीं आता। इंज तलाश करते करते पहुंच गए उस जगह जिस जगह अल्लाह दे वडेरियां नाल बैठे ने, चौधरियां नाल, सरदारां नाल, ते सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम सामने खड़े हो गए। अल्लाह दे नबी, मैं एक सवाल पूछने वास्ते आया। अल्लाह दे महबूब, एक मसला पूछने वास्ते आया। इंज अल्लाह दे नबी ने वेख्या मेरे नबी नो पसंद ना कि अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम क्यों आए ने। मैं ते नाल मुआहदा कीता सी कोई गरीब मस्कीन नहीं आएगा, कोई मेरा साथी नहीं आएगा, मैं अलहदा तुहाडे नाल बैठांगा सारे चौधरियां दे नाल। मेरे पाक पैगंबर दे चेहरे मुबारक ते नागवारी दे आसार होए। अल्लाह दे पाक पैगंबर दी जबीने अधर ते इतना थोड़ा जिहा गुस्से वाली तेवड़ी आ गई ते मसला समझना देन अंदर बात बिठाया जे के सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना ने नजर यार वो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम नु ते पता ही नहीं महबूब मुस्करा रहे ने या महबूब गुस्से अंदर आ चुके नहीं पता क्योंकि नजर नहीं आता सैयदना इब्ने मक्तूम नु ते पता ही नहीं जनाब अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम नहीं देख रहा सारी कायनात रब ते देख रहा है। फरमाया जिब्राइल जाओ मेरा कुरान ले जाओ अबसा वता वल्लाह अंजा अल्लाह कस्बे सीना फड़दा। फरमाया मेरे महबूब